ये है फोर्ड F-150 और मैं एक पिकअप ट्रक में बैठा हूँ, मगर इंटीरियर से शायद आपको लग नहीं रहा होगा। बटन्स देखिए कितने हैं स्टीयरिंग व्हील पे, हर तरफ, यहाँ पे भी, इस तरफ भी। यहाँ मेन्यू का बटन है और यहाँ पे बैक का बटन है, सिलेक्शन के लिए बटन्स भी हैं, ओके का बटन भी है, यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल के बटन हैं, डिफरेंट ड्राइव मोड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जिस मोड में, आई मीन मॉडल में बैठा हूँ, वो है प्लैटिनम ट्रिम का, यानी लग्जरी ट्रिम है उसमें। अब वो आपको पता चलता है, आपको हर तरफ स्टिचिंग मिलती है, आपको हर तरफ जो है वो लेदर सीट्स मिलती हैं, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं, आर्मरेस्ट भी बहुत ही कंफर्टेबल है, गियर लेवल तक पे जो है सिलाई हुई हुई है लेदर की, और आपके पास हर जगह बहुत जगह है। आपको फुल सनरूफ मिलती है आगे पीछे दोनों पैसेंजर्स के लिए, और बाकी इंटीरियर का ट्रिम बहुत अच्छा है। एक्सटीरियर भी जा रहे उसी के साथ से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपको सिल्वर कलर के व्हील्स मिलेंगे, जो ऑफ रोड पैकेज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, इसमें नई नई चीज़ें इन्होंने क्या किया है कि इंटीरियर काफ़ी चेंज कर दिया है, बॉडी सेम है, हेडलाइट्स और डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। कंट्रोल्स आप देखें तो ये आपको तकरीबन पुराने मॉडल जैसे ही मिलेंगे, मगर इसमें आप LCD स्क्रीन का साइज़ देखिए कितनी बड़ी LCD स्क्रीन है, और बाकी बटन्स एंड नॉब्स भी हैं जो कि पता क्या, अब ऐसा सब सब चीज़ें कंप्यूटराइज होनी थी, इनकी वाकई कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे आप ड्राइव मोड सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए किस 3 पिन प्लग है, कोई भी बड़ी चीज़ आपको कनेक्ट करनी हो आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली ये ट्रक जो है ना, एक आपकी ज़िंदगी का आसान करने के लिए बना है, और इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको नॉर्मल गाड़ी में भी नहीं मिलेंगे। बाहर से देख लें, ये वाला जो मॉडल ग्रे कलर का अभी आपको नज़र आ रहा है, ये ऑफ रोड ट्रिम के साथ है, तो ये इसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, अभी मैं आपको इसका दरवाज़ा खोलता हूँ, तो ये देखें साइड स्टेप निकला हुआ है, ये जब मैं दरवाज़ा फुल बंद करूँगा तो ये अंदर चला जाएगा, तो ये इस तरह के ऑप्शन हैं इसके अंदर। ट्राई करता हूँ अगर ये स्क्रीन ऑन हो जाए, नहीं हुई। अच्छा, ये देखें ये फुल LCD स्क्रीन। अभी एक्टिव है आई थिंक, नहीं है अभी, शायद ये डेमो मोड पे है। कोई बात नहीं, मैं आपको इसका ऑफ रोड ट्रिम भी दिखाना चाहता हूँ और बाहर से थोड़ा सा लुक दिखाना चाहता हूँ इसका। तो इंटीरियर में आपको जो है लेदर मिलेगा, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा अल्कंटारा रफ मटेरियल मिलेगा, बाकी के जगह स्टोरेज की बहुत सारी है। ये है बाहर से, ये देखें इसका फुट साइड स्टेप अंदर चला गया है, इसकी लाइट्स हैं, ये डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं, और ये इसकी ग्रिल है। इसी तरह ऑफ रोड वाला पैकेज आप देखेंगे, इसमें आपको ब्लैक कलर की ग्रिल मिलेगी, डिफरेंट व्हील्स हैं, साइड स्टेप भी डिफरेंट है, फिक्स्ड है ये तो। इसके जो इंटीरियर ट्रिम है वो भी डिफरेंट है, फुल ग्रे है, ज़रा ये थोड़ा सा और डिफरेंट स्टाइल का इंटीरियर है। यहाँ पे आप देखें सीट्स उतनी कंफर्टेबल नहीं है, यहाँ पे भी आर्मरेस्ट बिल्कुल सादा सा है। लकली LCD स्क्रीन तो आपको वो दोनों सेम, नहीं सेम नहीं है, इस वाले में डायल्स हैं और LCD स्क्रीन थोड़ी छोटी है, तो देख सकते हैं कि ये फ़र्क है, प्लस स्टीयरिंग व्हील के बटन से सब सेम है। चलें, ये LCD स्क्रीन अभी एक्टिव नहीं है, मगर फिर भी आपको आइडिया हो रहा है कि कितनी बड़ी है। प्लस एक बहुत ही नया ज़बरदस्त फीचर इन्होंने निकाला कि जो है ये गियर स्टिक है वो अंदर फोल्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो आर्मरेस्ट है वो आप इसको खोल सकते हैं, और ये आप एक इसको टेबल बना सकते हैं, और इन्होंने जॉइंट भी डबल रखा है ताकि वो भी सरफेस फ्लैट रहे, आपको अगर लैपटॉप रखना है या लिखना है कुछ लेटर पैड पर तो वो जॉइंट आपको तंग नहीं करेगा। तो ये समझ लें आपकी एक ऑफिस डेस्क हो गई है, आप इसमें बैठ के यहाँ पे आराम से काम भी कर सकते हैं। कप होल्डर्स भी हैं यहाँ पे बड़े दो, आप यूज़ कर सकते हैं, बीच वाले पैसेंजर्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस ट्रक ने लोगों की ज़िंदगी आसान बनाई हुई है, प्लस यहाँ पे कोई पेन वेन टाइप की कोई चीज़ रखनी हो, पेंसिल रख लें यहाँ पे, निकालनी हो तो बस उंगली से दबाएँ वो निकल आएगी। यहाँ पे भी स्टोरेज की स्पेस है, USB पोर्ट्स हैं, और इसका ट्रिम बिल्कुल डिफरेंट है।
और भी चीज़ें हैं इसमें बहुत सारी। डिग्गी में भी अगर आप आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा लाइट्स मिलेंगी, क्या कभी रात को काम कर रहे हो तो आपको डिग्गी में झांकने के लिए मुश्किल ना हो। प्लस अगर आप इंजीनियर हैं, कारपेंटर हैं, तो यहाँ पे रूलर दिया हुआ है, एक यहाँ पे और एक ये, यकीनन एक सेंटीमीटर होगा, एक इंच होगा। तो जैसे आप काम कर रहे हैं, डिग्गी खोलें और इसको टेबल के तौर पर यूज़ कर लें, और वो रूलर आप नापने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट भी है रात के लिए, यहाँ पे कैमरा भी है रिवर्स करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं। और हाँ, पीछे की सीट्स दिखाता हूँ आपको, पीछे की सीट्स हैं। और आप चाहें तो आप यहाँ पे भी सीट्स के नीचे भी स्टोरेज स्पेस लगवा सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। इस वाले मॉडल में आपको सनरूफ नहीं मिलेगा, वो लग्जरी ट्रिम में है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपके पास अपनी ग्रिल है और चार्जिंग पोर्ट्स हैं हर तरफ, लेजी पोर्ट्स हैं, तो कोई भी डिवाइस आपको लगानी हो, जैसे कार का वैक्यूम क्लीनर, तो वो आप लगा सकते हैं। बेसिकली F-150 लाखों में बिकता है अमेरिका में। वहाँ पे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे ट्रक के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ काम ही ऐसा है, एग्रीकल्चरल या खेती बाड़ी वाला काम, तो आपको पिकअप की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इतने ज़्यादा जो है वो फीचर्स वाले पिकअप्स भी आते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट तरह के आते हैं, लग्जरी ट्रिम, स्पोर्ट ट्रिम, ऑफ रोड ट्रिम। स्क्रीन चल रही है, सॉरी, फोर ट्रक्स में सेलेक्ट करना था। आ जा भाई, प्राइस दिखाना चाहता आप लोग को, एक सेकेंड, एक मिनट वेट कर लें, सॉरी। नहीं तो फूड ट्रक्स आ गया। चलो खैर, इसकी प्राइस में मैं कहीं से मालूम करके फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो ये नया वाला F-150, ठीक है। और हाँ, इसमें एक नया इलेक्ट्रिक मॉडल भी आने वाला है, अभी रिसेंटली, बिल्कुल रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है, तो अभी आने में ज़ाहिर उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है, इसमें जो इंजन है, शुक्र आखिरकार आ गया। हाँ, स्टार्टिंग प्राइस है इसकी 183,000 dirhams, और इसमें आपको 3500 cc का इंजन मिलेगा, तकरीबन 430 horsepower का है। और बाकी और आप जो इनकी वेबसाइट पे जाके इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। मेरे पास फोर्ड के और भी मॉडल्स की वीडियोस हैं, मस्टैंग हो गई, फोर्ड GT हो गई, फोर्ड GT सुपर कार हो गई, तो फोर्ड की वीडियोस मैं सारी जो हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख सकते हैं सारी वीडियोस आराम से। बाकी और कंपनीज की वीडियोस देखनी है तो आपको मेरे चैनल पर जाना होगा, और ज़रूर देखिएगा।